हेलो स्टूडेंट, आज हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें पहले तो हम नंबर लाइन पे एडिशन करना सीखेंगे। देखिए, पेज नंबर 31 है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, देखिए इसमें आपका प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ इंटीजर, पेज नंबर 31। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क इंटीजर्स ऑन इट। इसमें हमने इस तरह से आप नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और इस पर हम एक मार्क कर देंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकेंड नंबर है स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे कि हमें ऐड करना है 4 + 2। देखिए, ये 4 + 2 का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है +4, और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है 10। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तब क्या होगा? अब ये 4 हमें पहले, सबसे पहले 4 यहाँ से 0 से लेके 4 तक जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर तक। हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, इस साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में हम गए। ठीक, अब देखिए, मूव एज मैनी यूनिट एट द सेकेंड नंबर टू बी राइट ऑफ द फर्स्ट नंबर इफ द सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये सेकेंड नंबर पॉजिटिव है +2, तो हमें राइट साइड में जाना है। कैसे? यहाँ से +4 से लेके टू और राइट साइड में जाएंगे, यहाँ 1 और 2। ठीक है, ये हम राइट साइड में पहुँचे और पहुँच गए 6 पर। तो आंसर कितना आया? 6। ठीक है, अगर ये ही हमारा क्वेश्चन होता +4, तो निगेटिव इंटीजर में ऐड करना होता, तो ये हम कहाँ जाते हैं फिर इसके बाद? अगर ये पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में जाएंगे, अगर ये निगेटिव है तो हम ये टू स्टेप जो है हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड। तो कहाँ पहुँच गए हम? 2 पे पहुँच गए। ठीक है, तो हमें याद करने वाली क्या चीज़ है? पहले एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, और सेकेंड नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो हम राइट साइड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट आगे बढ़ेंगे। अगर ये सेकेंड नंबर निगेटिव हुआ तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, क्लियर? अब इस तरह से जो नंबर हमें मिल गया, ये 6 मिला, ये 2 मिला, ये हमारा, ये जो हमें चाहिए होगा वही नंबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या पहले पता किया? सबसे पहले हमने किया कि जो एक नंबर लाइन लिया, फिर पहला वाला जो नंबर था जिसमें हमें ऐड करना है उसको मार्क किया। ठीक है, और सेकेंड नंबर अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में आगे बढ़ेंगे, और अगर निगेटिव है तो इसके हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन पे एडिशन। पहले भी हम क्या करते थे नंबर लाइन में एडिशन, लेकिन पहले हमें ये नहीं मालूम होता था कि निगेटिव इंटीजर अगर आ गया तो हमें क्या से करना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे। अब इस तरह से हमें ये जो नंबर लाइन पे हमने किया एडिशन, इससे हमारा एक तरह से समरी ये निकलती है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 32। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड व्हेन देन ऐड देम सिंपली। अगर हमें कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है, जैसे 6 + 4, 6 भी पॉजिटिव है एंड 4 भी पॉजिटिव है,
तो इन दोनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 10। आ गया। अगर दोनों नंबर हमारे जो हमने ऐड किया है, ये दोनों नंबर हमारे निगेटिव हैं, तो सिंपली हम ऐड करेंगे 6 और 2 विदाउट इसको जो जो सिंबल है, जो आपका ये साइन है माइनस का, उसको हम नहीं देखेंगे, 6 देखेंगे और 2 देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी आपकी, जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये -6 है तो +6 हो जाएगा, इसका -2 है तो +2 हो जाएगा, तो ये दोनों का क्या हो गया, 8 हो गया। और जो साइन रखना है वो माइनस रखना, तो ये -8। जब दोनों इंटीजर आपके निगेटिव हैं तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे और साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है, निगेटिव साइन रहेगा हमारा तो आएगा -8। अब देखिए, अगर एक नंबर आपका निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, अब क्या करेंगे, तो हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ये 6 माइनस इसका 6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। और साइन हम जो लगाएंगे वो इनमें से दोनों की जो बड़ी होगी, जैसे ये 6 से बड़ा है तो ये इसका साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3 और आएगा -3। तो सबसे पहले तो पहले नंबर पे हमने किया जो ये नॉर्मली ये ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा और साइन लग जाएगा माइनस, लेकिन ये दूसरे वाले में जिसका साइन बड़ा होगा, जैसे ये 6 में साइन है, जिस जो बड़ी वाली नंबर होंगे उसके साइन लगेंगे और हम सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं और साइन लगा दे रहे हैं माइनस का, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू, अगर मान लीजिए ये 6 ये आपका पॉजिटिव होता और ये -3 होता तो हम क्या करते, ये 6 का पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव होता है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये 3 सिफात हो यानी पॉजिटिव आता ही नहीं, ठीक है। 3 चीज़ आपको पता चल गया, इसे एकदम लर्न करने की चीज़ है कि अगर आपका ये है तो ये तो आप शुरू से करते आ रहे हैं, जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से आप एडिशन करते आ रहे हैं, आप ऐड कर देते हैं। ये वाला आपका नया आया है कि अगर दोनों में वो होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू और साइन लगा देंगे माइनस की, और इसमें जो है एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस जो बड़ी गिनती होगी उसके साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन ही देख लेते हैं, एक्सरसाइज भी। एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ 60 एंड माइनस, देखिए 60 है और सम निकालना है इसमें -160, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि इसमें आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसका क्या रूल होता है, जो बड़ा होगा उसकी साइन हम लगा देंगे, ये बड़ा है माइनस तो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, ब्रैकेट में किया, अब 160 बड़ा हुआ है, इसमें से हम सबट्रैक करेंगे 60 को, ठीक है। 160 में से 60 सबट्रैक किया, बचा 100, तो -100 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको एग्जांपल 2 है आपका, हमें सम निकालना है -49 में 63, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
तो निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है कि आपका जो बड़ी वाली साइन होती है उसके बड़े वाले नंबर की साइन ये 63 आपका बड़ा है तो आपका प्लस ही रहेगा, प्लस को हम लिखें या ना लिखें ठीक है, लेकिन हम ये लिख दे रहे हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस है, चाहे तो हम इसे नहीं लिखते हैं ठीक है। अब ये जो बड़ी वाला है नंबर 63 उसमें से हम 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को 3 में से 9 नहीं जा रहा है, 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 14 हो गया ठीक है, क्लियर। ये एकदम सही से आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 3 नंबर है, -8 17 है, -12 ठीक है। -8 में ऐड करना है हमको +17, चाहे तो प्लस ना लिखते, ऐड करना है -12। अब अभी पता है जब कई होते हैं तो दो दो करके हम ऐड करते जाते हैं, अब इनको और इनको हम ऐड कर लें -8 और +17 ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव कौन सा है 70, नेगेटिव -8 तो ये आपका बड़ा है तो इसका ही साइन लगेगा, ब्रैकेट करते हैं बड़े में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें यही है ना सब्ट्रैक्ट। अब ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी अभी इसका कुछ नहीं करेंगे ठीक है। अब ये 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, पॉजिटिव 9 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका ये 17 बड़ा है। अब ये हो गया -12, दो इंटीजर है एक 9 है एक -12 है, अब ये दो अलग अलग साइन है इसके, अब इसका बड़ा वाला साइन है माइनस तो हम माइनस लिख देंगे और बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 9 गया 3 और ये आ गया आपका 3 ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल 4 और 5, एग्जाम्पल 4 है आपका -8 एंड में ऐड करना 0 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो इंटीजर हैं, ये -8 है तो साइन किसका लगेगा माइनस की, 8 में से 0 आपका चाहे 0 घटाएं या 0 जोड़ें कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो इस तरह से -8 आएगा इसका आंसर ठीक है। एग्जांपल 5 देखिए, आपके जो 0 होता है 0 में चाहे ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, वो 0 ही वो वही नंबर आएगा। देखिए इसमें भी आपका है, ये प्लस साइन है आपकी तो प्लस लग जाएगा 20 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था तो -8 रहेगा, -8 में 0 ऐड किया तो -8 आया, +20 में 0 ऐड किया तो +20 आया, इसमें कोई क्या रूल हो क्या ना हो कोई वो रूल का कोई मतलब नहीं है। -8 में हमने 0 ऐड किया तो कितना आएगा -8 आएगा, बस इसमें क्या रूल है, +20 में 0 ऐड किया तो +20 आएगा ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल था, अब आएगा आपका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स के ठीक है, उन्हें नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर लाइन बहुत बार बनवाया है, अब आप अपने आप से बनाइएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये ऐड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन, ये ऐड करना है और नंबर लाइन पे, तो अभी हमने बताया था कैसे करना है तो उसको कर लीजिएगा ठीक है। अब इतना आप क्वेश्चन करिएगा होमवर्क का, बाकी हम अगले क्लास में आपको बताएंगे ओके, बाय बाय।